वाइवा के बारे में मैं आपसे आप सबके सामने फिर एक बार लेके आ रहा हूँ। दोस्तों आज का इस वीडियो जो है वो टेट्राएमीन क्यूप्रिक सल्फेट जो कि आप लेबोरेटरी में प्रिपरेशन करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के दौरान, वही प्रिपरेशन जो है उसमें एग्जामिनर के द्वारा आप जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारे वाइवा के लिए मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस यहाँ आपके लिए तैयार किए हैं। आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दौरान आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे और उसके सही सही आंसर देके बहुत अच्छे नंबर भी पा सकते हैं। तो दोस्तों प्रिपरेशन टेट्राएमीन क्यूप्रिक सल्फेट शुरू करते हैं कि उनमें कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन वन, व्हाट इज द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राएमीन क्यूप्रिक सल्फेट। दोस्तों टेट्राएमीन क्यूप्रिक सल्फेट जो है उसका फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है? तो सही आंसर है CuNH3 4 SO4 H2। ये सही आंसर है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये जो स्क्वायर जो ब्रैकेट है उसमें आपको CuNH3 4 लिखना है, उसके बाहर SO4 एंड देन H2। तो ये सही फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राएमीन क्यूप्रिक सल्फेट है। अब दूसरा क्वेश्चन, विच सॉल्यूशन इज एडेड इन बीकर विथ क्यूप्रिक सल्फेट टू प्रिपेयर टेट्राएमीन क्यूप्रिक सल्फेट। दोस्तों टेट्राएमीन क्यूप्रिक सल्फेट बनाने के लिए आपको क्यूप्रिक सल्फेट के साथ बीकर में कौन सा सॉल्यूशन ऐड करना होता है? तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है आपको क्यूप्रिक सल्फेट के साथ बीकर में लीकर एमोनिया भी लेना है, कंसंट्रेट NH4OH, ये दोनों में से कोई भी बेसिक मीडियम के लिए आपको लेना है और यहाँ तक ऐड करना है जब तक उसमें से एमोनिया की स्मेल नहीं आती। जब तक एमोनिया की स्मेल आए तब तक आपको ये कंसंट्रेट NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर लीकर एमोनिया ऐड करना होता है। देन क्वेश्चन नंबर 3, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस प्रिपरेशन। दोस्तों टेट्राएमीन क्यूप्रिक सल्फेट बनाने के लिए कौन सा केमिकल इक्वेशन आप लिख सकते हैं, केमिकली कैसे रिप्रेजेंट करता है? तो आंसर इज CuSO4 प्लस 4NH3 प्लस H2, इट विल गिव CuNH3 4 SO4 H2। ठीक है, बहुत सिंपल और सीधा सा इक्वेशन यहाँ पर होता है। ये जो कंपाउंड बना है उसका नाम है टेट्राएमीन क्यूप्रिक सल्फेट। अब अगला क्वेश्चन, व्हाई अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड शुड बी एडेड इन बीकर और वाटर टू डिजोल्व क्यूप्रिक सल्फेट। उसमें दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स क्यों आप ऐड करते हैं? तो उसका आंसर है ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक सल्फेट। जब आप पानी में क्यूप्रिक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाते हैं उस वक्त कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा पानी के साथ क्यूप्रिक कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है विच मेक्स द सॉल्यूशन टर्बिड। सॉल्यूशन उस टाइम टर्बिड हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड्स। कॉपर हाइड्रोक्साइड इज ए सॉल्यूबल इन सल्फ्यूरिक एसिड, दस द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर मेक्स क्लियर द सॉल्यूशन। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड होने के नाते ये कॉपर हाइड्रोक्साइड सारे जो है वो सब डिजोल्व हो जाते हैं और यहाँ पर क्यूप्रिक सल्फेट का जो सॉल्यूशन बनता है वो एकदम क्लियर हो जाता है, इसलिए थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड हमें ऐड करना पड़ता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why alcohol is added to the deep blue colored solution of tetraamin cupric sulfate? दोस्तों reaction complete हो जाने के बाद reaction mixture में
जो बीकर में रिएक्शन मिक्सर है वो आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ सॉल्यूशन, कम्प्लीशन ऑफ रिएक्शन, जब सारा रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद बीकर में आप देखोगे तो ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर का टेट्राएमिन क्यूप्रिक सल्फेट बनता है, लेकिन वो सॉल्यूशन के रूप में यानी कि लिक्विड के रूप में हमें मिलता है। तो हमें अल्कोहल ऐड करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? इसीलिए क्योंकि टेट्राएमिन क्यूप्रिक सल्फेट इज़ इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल में टेट्राएमिन क्यूप्रिक सल्फेट इनसॉल्युबल है और वो इनसॉल्युबल होने के नाते जैसे हम अल्कोहल डालेंगे तो थोड़े समय में टेट्राएमिन क्यूप्रिक सल्फेट विल बी प्रेसिपिटेटेड आउट इन द सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन में उसका प्रेसिपिटेट मिलेंगे, उसके बाद हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो अल्कोहल ऐड करने से अल्कोहल में टेट्राएमिन क्यूप्रिक सल्फेट इनसॉल्युबल होने की वजह से हमें टेट्राएमिन क्यूप्रिक सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, इसीलिए हम अल्कोहल ऐड करते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, आशा करता हूँ कि ये सारी प्रिपरेशंस और सारे क्वेश्चंस जो मैंने बताए वो सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स जो मैंने समझाए आप सबको, ठीक उसी तरह आप उसको बहुत बहुत तैयार करेंगे और यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अगर इसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका वाइवा बहुत अच्छा आप फेस कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं। ये वीडियो अच्छे लगे हो तो उसको ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए, आपके और सारे ग्रुपों में शेयर कीजिएगा और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी जल्दी उसको सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार नमस्कार।